नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के दौरे पर सागर हद्दा में जनसभाओं को संबोधित किया। शाम को पीएम भोपाल भी पहुंचे। पीएम के मध्य प्रदेश दौरे के पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटवारी ने पीएम मोदी से सवाल पूछे। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा, आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसे केवल जनता चुनाव में वोट डालकर बचा सकती है। आखिर बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है क्योंकि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है, जबकि भारत का संविधान एक बेहतरीन संविधान है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, पर आज कोई खुलकर बोल नहीं सकता है। पीएम मोदी के एमपी दौरे के पहले पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश में कथित अमृतलाल चल रहा है एवं इसमें संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार, वोट का अधिकार एवं मीडिया की आजादी बचाने की लड़ाई चल रही है। मोदी जी के शासनकाल में 17 सरकारें गिराई गई, 500 से ज्यादा विधायक एवं कई सांसद इधर उधर हुए। जैसे शराब माफिया, भूमि माफिया, शिक्षा माफिया होते हैं, वैसे ही भाजपा अब सरकार माफिया बन गई है। पटवारी ने कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, इसलिए अब वो शोमैन हो गए हैं। भाजपा कहती है कि वे भगवान के अवतार हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें बजरंग बली का अवतार बताया, तो बजरंग बली के अवतार ये बताया कि मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे थे और चुनाव के बाद 3000 प्रतिमा की मोदी की गारंटी के लिए क्या किया जा रहा है, सरकारें पैसा कब से देना शुरू करेगी। भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत कहा था कि लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राही महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, इन्हें लाभ कब मिलेगा। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि प्रदेश में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं है। किसान कल्याण तथा कृषि संचालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-2022 में एमपी में 9829000 हेक्टेयर रकबे पर गेहूं और 3441000 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल ली गई, लेकिन इनसे किए वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। गेहूं का उत्पादन 35669000 मीट्रिक टन और धान का 12502000 मीट्रिक टन रहा। गेहूं धान के सीजन में किसानों ने अपना रकबा और बढ़ाया ही है, इस उम्मीद में कि उन्हें गेहूं के लिए 2700 और धान के लिए 3100 का भुगतान दिया जाएगा। किसानों के साथ हुई इस धोखाधड़ी की भरपाई कब की जाएगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।